के साथ आइए रुक करते हैं आज की खबर। चरखारी महोबा में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनी चरखारी की कांधा गौशाला प्रबंधन प्रशासन की ओर से किया गया था, परंतु खाऊ कमाऊ नीति की वजह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की स्वप्निल योजना पर पलीता लग रहा है। अपने भ्रमण के दौरान गौरक्षा प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष अनमोल द्विवेदी सहित आधा दर्जन गौरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने इस गौशाला की हकीकत देखी व समझी, जो बेहद दयनीय स्थिति में दिखी। भीषण सर्दी में कीचड़ युक्त स्थानों पर गौवंश दम तोड़ने को मजबूर है। वर्तमान समय में कान्हा गौशाला का आलम ये है कि यहाँ न गायों के लिए भूसा है और न इनको ठंड से बचाने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कसाई बाड़ा की तरह गौशाला में गौवंश को रखा गया है। गौरक्षा प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष ने अधिशासी अधिकारी को फोन लगाकर कान्हा गौशाला की हकीकत बताई। मौके पर गौरक्षा प्रकोष्ठ के जिला प्रभारी गर्जन सिंह परमार, जिला अध्यक्ष हरिओम चौरसिया, नगर के महामंत्री राजा राणा, कबराई नगर के अंकित ठाकुर आदि मौके पर मौजूद रहे। चरखारी से जुगल किशोर द्विवेदी की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? अनमोल द्विवेदी, विश्व हिंदू महासंघ से मंडल प्रभारी हूँ, गौरक्षा प्रकोष्ठ महोबा। अच्छा, आपका आज चरखारी काना गौशाला गए थे, तो आपने वहाँ पे क्या कमियाँ पाई? वहाँ पे गौवंश बड़ी गंभीर हालत में पाई गई हैं, आँखों से ब्लड गिर रहा है उनके, और दूसरी चीज़ ना ही उनकी भूसा की व्यवस्था है, सर्दी इतनी पड़ रही है, गिलारे पूरे गौशाला में गिलारा पड़ा हुआ है, गौ पैर रख रही हैं तो पूरे जम रहा है वहाँ पैर, बड़ी बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ इन अधिकारियों के ऊपर और जो यहाँ के प्रभारी हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।